हेलो यूट्यूब फैमिली। वैसे तो जब भी आप कभी भी जिम में जाते हैं तो वहां पे सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में यही आता है, आपको कितनी कैलोरी आपको डेली के हिसाब से अपनी बॉडी में इंटेक करनी है। लेकिन दोस्तों इसके बहुत सारे पैटर्न होते हैं, लेकिन सबसे इजी जो पैटर्न होता है वो आपको मैं इस वीडियो में बता देता हूँ कि किस तरह से आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरी पता कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा BMR कैलकुलेशन या मेंटेनेंस कैलोरी को यूज करने के लिए जो फॉर्मूला यूज किया जाता है वो सबसे आसान है। इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं, आपको आपका टोटल बॉडी वेट लेना है, उसको 30 से गुना कर देना है, आपका जो होता है मेंटेनेंस कैलोरी आ जाती है। जैसे कि आपको करना क्या है, जैसे मेरा वेट 70 kg है तो 70 को मैं 30 से गुना करूंगा और जो मेरा BMR होता है या मेंटेनेंस कैलोरी है वो होगी दोस्तों 2100। अगर मुझे वेट कम करना है तो कम कैलोरी लेनी होगी, अगर गेन करना है तो इससे ज़्यादा कैलोरी मुझे लेनी पड़ेगी।